वेलकम टू माई YouTube फैमिली। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और उस दिन बेटा जब स्टडी टेबल चेक अपना साफ कर रहा था तो मैंने ये बुक्स निकलवाई थी उसकी, तो मैंने बोला चलो इसकी बुक्स का भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी लेकिन अपलोड बाद में कर दूंगी। तो दो व्लॉग बनाए थे मैंने और दोनों मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके मैंने अपलोड किए। ये हैं इसकी बुक्स, जो ये स्टडी के अलावा बुक्स हैं इसकी, और स्टडी वाली बुक ये ब्लैंकी पे पड़ी हैं। ये सारी इसकी स्टडी से जो स्टोरी बुक हैं, कलरिंग बुक हैं और इंसाइक्लोपीडिया वगैरह हैं, ये सारी वो पड़ी हुई हैं और मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखते रहिए मेरे व्लॉग को, विच इज शिमला व्लॉगर दीपशिखा। ये देखिए ये हैं इसकी सारी बुक्स। मैंने एक दिन आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी बुक्स के ऊपर भी एक जो है वो व्लॉग बनाऊंगी। तो ये इसकी बहुत सारी बुक्स हैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये स्टोरी बुक्स हैं, ये है, ये भी स्टोरी बॉय की है, वो बुक साइंस के लिए है। और ये देखिए इंसाइक्लोपीडिया भी इसकी कहीं पड़ी होगी। ये देखिए इंसाइक्लोपीडिया है इसकी। और ये मैं हर साल ही इसको एक इंसाइक्लोपीडिया लेके दे देती हूँ। एक ये है इंसाइक्लोपीडिया, ये भी इंसाइक्लोपीडिया है वो भी। और ये भी देखिए बुक्स तो मेरे पास बहुत है, और जब ये छुटपन में था तब भी मेरे पास बहुत बुक्स थी, कोई ऐसी बुक्स नहीं है जो मैंने छोड़ी होगी। ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा हो छोटा होता है तो उसे सब देनी चाहिए। ये कलरिंग बुक्स हैं, हथौड़ी वाली, ये ब्रूटस ने खाया था। हाँ, और एक ये बुक है, ये कलरिंग बुक है और इसमें नंबर्स जोड़ने होते हैं, काउंट करने होते हैं। और ये देखिए ये भी एक लिविंग वर्ड इंसाइक्लोपीडिया है। और ये स्टोरी बुक्स हैं, स्टोरी बुक हैं, वाटर पेंट कलर हैं ये वो बुक है। ये देखिए ये भी सारी आर्ट बुक हैं, ये भी इसकी, ये जब ये वाली सारी बुक्स जो हैं इसकी कलरिंग बुक हैं। और ये वो बुक हैं जब ये अभी स्कूल भी जाना शुरू नहीं हुआ था तब मैंने लेके रखी थी और ये बैठ के उसमें कलर भरता था, मैं भी इसके साथ भरती थी। तो देखिए मैंने ये इसीलिए संभाल के रखी है तो इसको याद रहे कि मैं कैसे कलर करता था। ये देखिए, ये देखिए मम्मा ब्रेंजल, ये देखिए एली, मैंने एली में कलर कर दिया है, मम्मा एली में कलर कर दिया है। और ये देखिए ये बचपन की इसकी यादें हैं, ये मैंने सजो के रखी हुई हैं और कई में तो इसने अच्छा कलर किया है। ये देखिए इसने अच्छा कलर किया है, इसने कोई छोड़ दिया है, कहीं बीच बीच में इसने कलर किया है, कहीं छोड़ दिया है। और ये देखिए ये भी अच्छा है, ये छोटा भीम और कृष्णा है, तब ये लेके दी थी कि मुझे छोटा भीम चाहिए। ये टुनटुन आंटी है, आंटी नहीं मौसी, हाँ टुनटुन मौसी है। इस तरह के काफी कलर हैं जो कलर्स, कलर के लिए छोटे बचपन में मैंने इसको बुक्स लेके दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये बुक ना लेके देनी चाहिए ताकि वो इन पर कलर करें और बस कलर करें, अपनी क्रिएटिविटी को निखारें, कलर्स का अच्छा पता हो। ये देखिए ये सब भी इसने इसी में कलर किए, ये देखिए ट्री बनाया था इसने, ये देखिए ये कुछ अच्छा किया था इसने कलर, तो बाकी तो इसने कुछ नहीं किया अच्छा। ये देखो अपना नाम लिखा है इसने, किंशुक, मैं हमें इसे प्यार से बोलती हूँ किंशुक। किंशु का अर्थ है, यहाँ पर मिलता है ब्रास, मैंने आपको दिखाया था ब्रास का फूल होता है, तो ये तब मैंने इसका नाम रखा था किंशु। एक ये इंसाइक्लोपीडिया वाली बुक है, देखिए ये बहुत पुरानी है, और ये वाली बुक बहुत पुरानी है, और ये बुक इसको इसकी सिस्टर ने गिफ्ट की है क्योंकि वो भी पढ़ती है और इसको भी ये बोलती है कि पढ़, तो शायद पर ये इतना बुक्स अब इसने थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि हो सकता है कुछ पढ़ाई का है,
पर पढ़ता अभी भी है, कभी कभी निकाल ही लेता है। ये देखिए, ये भी इसकी कलर बुक है। बहुत सारी हैं, एनिमल्स हैं। मैंने कई बुक्स तो, इसकी छोटी छोटी बुक्स तो है, वो अपने भाई की बेटी को भी दी थी। ये देखिए, निंजा हथौड़ी चाहिए, निंजा हथौड़ी में कलर करूँगा, किया है नहीं इसने एक भी। निंजा हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी में एक भी कलर नहीं किया है। ये इनके टाइम के कार्टून्स हैं। ये देखिए, ये भी है एक इसकी बुक। काफ़ी बुक्स हैं। ये देखिए, इनके साथ तो सीडीज भी हैं। एक ये है, एक बुक ये है। ये सारी ढेर जो हैं, ये इसकी बुक्स का ही है। प्लैनेट्स की हैं, ये बड़ी शौक से पढ़ता है ये बुक। के हमारे टाइम में हम टीवी पर देखते थे, अब बच्चे टीवी पर देखते हैं, लेकिन हमने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं। अरेबियन नाइट्स है, हमने भी थोड़ी बहुत स्टोरी देखी है, लेकिन ये भी इसके पास भी बुक हैं। तो जो जो अच्छी अच्छी, मतलब जो जो बच्चों से रिलेटेड बुक्स हैं, वो मैंने इसको ख़रीद के दी हैं। कुछ इसकी सिस्टर ने इसको गिफ्ट की हैं, कुछ मैंने ली हैं, कुछ इसने खुद भी मंगवाई हैं ऑनलाइन। ये एक और है, ये इसके कोई बचपन का ही है, और ये किसी ने गिफ्ट किया होगा, क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी लिया है। ये इसके गेम्स का है। ये देखिए, ये कलर है, और ये इस तरह से जो है, मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से है ये, और ये इसी पर रख करके ये मैंने यूं रखा है। जो जो इसमें कलर शो हो रहे हैं, उसी वो ये कलर दिए हुए हैं यहाँ पर, और इन्हीं कलर्स को देख करके इसमें कलर करना है। तो आज हम, अब हम इसको बाहर रखते हैं, तो चलो इस पर करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं बाहर, ये लो, और इस पर करेंगे हम वर्क करेंगे। कोई बात नहीं, ये तेलानी रमन मली इसी में रहने दो, उसमें डालनी है ये दो, रहन दो इसमें। ये देखो, ये तेनाली रमन की पजल है। मेरे पास बहुत पजल हैं इसके बच्चे की। और एक ये देखिए, ये पजल है, ये जब छोटा था, ये मैंने तभी ली हुई थी इसके लिए पजल्स। तो जब जो बच्चा छोटा होता है ना, उसके लिए ये इस तरह की पजल्स आप अवश्य लें, जितने भी जो पेरेंट्स हैं। सब वैसे तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पर ये जो पज़ल्स होती हैं, इनसे जो बच्चे का माइंड है वो थोड़ा ज़्यादा से शार्प होता है। इस तरह से इसमें देखिए, चार थे, चार आपने चार चीज़ें बना सकते हैं। और ये खेलता भी था इन पज़ल से। एक मैंने आपको बॉक्स वाली पज़ल पहले भी दिखाई, वो ये है। ये देखिए, ये पज़ल है। ये इस पज़ल से भी ये छह तरह के जो है पिक्चर्स बना सकते थे बच्चे। और मैं दिखाती हूँ, उल्टा हो गया, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये छह पिक्चर्स इसमें बनती थी, और ये बहुत देर तक बैठ कर खेलता रहता था इनसे। तो ऐसी चीज़ें देखिए, पुरानी हो गई है ना, तो हमारे घर में पानी आया था जब अंदर, तो तब ये भीग गई थी, और इस तरह से ये गंदी हो गई हैं। तो चलिए, इसे रखते हैं अब इसके अंदर। अब उल्टा सीधा ही मैं जमा पाऊंगी, इतनी जल्दी तो मैं पज़ल नहीं बना पाऊंगी, पर फिर भी अगर बनाने लगी तो पूरा एक व्लॉग इसी में बन जाएगा। हो गया है मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड। आपको अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज शिमला ब्लॉगर दीपशिका। बाय।